हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, रेस्टोरेंट में बनने वाली रेसिपी, ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में ग्रिल्ड फिश विद लेमन बटर सॉस कैसे बनाएं। आज मैं आपको ग्रिल्ड फिश विद लेमन बटर सॉस पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से प्लेटिंग भी कर सकें। इसके साथ क्या देना है, क्या नहीं देना है, इसके साथ आपने वेजिटेबल देना है, इसको कैसे काटना है। सबसे पहले आपको काटने का तरीका बताता हूं। गाजर आपने इस तरीके से काटना है, ऐसे और इतनी बड़ी, ये देखिए। ऐसे काटने के बाद आपने देखिए इस तरीके से काट लेना है। इसको आपने ऐसे निकाला, उसके बाद ऐसे, ये देखिए। फिर आपने थोड़ा सा साइड काटी, साइड जरूर काटें, बढ़िया खूबसूरत लगनी चाहिए आपकी सब्जी। देखिए ऐसे काटना है, इस तरीके से। अब मैं इसी तरीके से सारी काट लूंगा, आप भी ऐसे ही काट लें। गाजर काटने के बाद आपने बीन्स काटना है, लेकिन शर्त यही है जितनी बड़ी गाजर है उतनी ही बड़ी आपने बीन्स काटना है। आप आइडिया से भी काट सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं पता चल रहा है तो आप नाप के काट लें, लेकिन एक जैसी काटें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए ऐसी, क्योंकि असली जो लुक है ना इसी से आने वाला है, तो आपने उल्टी सीधी छोटी बड़ी नहीं काटना है, एक जैसी काटना है। अब मैं भी इसी तरीके से सब एक जैसी काट लूंगा। अब मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपको पता नहीं चला है तो आप नाप लें, लेकिन एक जैसा काटें। बीन्स काटने के बाद आपने ब्रोकली काटना है, देखिए इस तरीके से, ऐसे ज्यादा ना काटें, इतनी बहुत है, इससे हमारा काम चल जाएगा। हमने काटनी उतनी है जितनी हमको चाहिए, ये देखिए इस तरीके से आपने काट लेनी है, और इसको इतना ही बड़ा रहने दें, ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा है तो एक के दो कर लें, बस ऐसे आपने काट लेना। वेजिटेबल काटने के बाद अब हम काटेंगे फिश। फिश मैं आपको बता चुका हूँ, मैं हमेशा सॉल लेता हूँ जब भी आला काट में मैं बनाता हूँ। अब इसको आप इतना बड़ा फिले भी काट सकते हैं, इसको पूरा ग्रिल कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे तीन पीस कर लें, कि जैसे कि हम होटल में देते हैं ना, सेम आपको छोटे छोटे तीन पीस करके दिखाऊंगा, जैसे कि हम देते हैं। देखिए ऐसे आपने काट लेना है, एक दो। अब ये देखिए यहाँ कट होता है ना, इसका आप क्या करेंगे, इसको आपने ये थोड़ा सा बड़ा काट लेना है, ऐसे तो बराबर लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दब भी जाएगा ना। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे एक दो और ये तीन, ऐसे आपने तीन पीस लेने। फिश काटने के बाद आपने लेना एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर आपने डालना है एग वाइट, ओनली एग वाइट डालें, एक अंडे का, उसके बाद लेमन जूस 3 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1 पिंच चाहिए, सॉल्ट ये 2 पिंच चाहिए, देखिए इतना ही आप डालें, इससे ज्यादा ना डालें, मस्टर्ड पेस्ट 1 का 4, इससे ज्यादा ना डालें, इतना ही आपने डालना है, और आपने इसमें डालना है मैदा 2 टेबल स्पून। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए इस तरीके से, इससे ज्यादा कुछ भी ना डालें, बहुत ही बढ़िया आपकी ग्रिल्ड फिश बनेगी। देखिए इसको आपने ऐसे अच्छे से फेंट लेना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए ऐसे इस तरीके से फेंट लें। अब आप क्या कर सकते हैं, इस टेम्पेस को टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके टेस्ट के हिसाब से कुछ कम या ज्यादा है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। अब आपने इसमें डालना है फिश, ये देखिए, और इसको अच्छी तरीके से ये सब लगाना है, मसाला मेरीनेट करना है ऐसे, ये देखिए ऐसे अच्छे से मिक्स करें, और आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। जब तक हमारे 15 मिनट पूरे होंगे तब तक हम क्या करेंगे, हम वेजिटेबल उबाल लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल उबालना भी बहुत ही जरूरी है। आपने उबलते हुए पानी में सबसे पहले बीन्स डालनी है, उसके बाद गाजर, इन दोनों को थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दें, 1 मिनट। 1 मिनट के बाद आपने इसमें डालनी है ब्रोकली। हम लोग रेस्टोरेंट में सारी चीजें अलग अलग उबालते हैं, मैं इसलिए एक साथ उबाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और आप अच्छे से उबाल लें। अब आपने इसको उबालना कितनी देर है, बस ज्यादा से ज्यादा
3 मिनट उबालना है, उससे ज्यादा ना उबाले नहीं तो इनकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आप ब्रोकली डालने के बाद 2 मिनट भी उबाल सकते हैं। अब ये देखिए अच्छे से सब्जियां उबल चुकी हैं। आपने देखा ना पानी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब मैं ये छान लूंगा, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ऐसे ही आपने सब्जियां उबालनी है, ऐसी लगना चाहिए कि फ्रेश है। फिश ग्रिल्ड करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आपने जिस भी पैन में गर्म करना है, चाहे वो लोखंड का हो, एल्यूमिनियम का हो, सिल्वर का हो, किसी भी चीज का हो, आपने उसको अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। मैं भी पैन को पहले बहुत ही अच्छे से गर्म करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। अब हमारा पैन बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है ऑलिव ऑयल। बटर ना डालें, भले ही फिश का नाम लेमन बटर सॉस है, लेकिन आपने डालना है ऑलिव ऑयल। बटर डालने से क्या होता है ना, बटर जल जाता है और काला पड़ जाएगा, तो आपकी फिश की ना खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो आपने डालना है ऑयली बॉयल। उसके बाद आपने फिश को ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे मिक्स करके ऐसे अच्छे से इसको बेटर लगा के उठाना है ऐसे, और यहाँ पर रख देना है। अब आपने गैस कर देना है स्लो, थोड़ी देर आप गैस स्लो कर दें। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, देखिए ऐसे रख दें। 2 मिनट आप ऐसे ही पड़ा रहने दें, इसको टच ना करें। 2 मिनट के बाद आप जब इसको देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, देखिए कि नीचे अच्छे से कलर आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इसको पलट देना है, ऐसे पलट दें। ये कलर देखा ना आपने कितना बढ़िया आ गया। तो आपने पलटना है 2 मिनट के बाद, उससे पहले ना पलटें। वाह क्या नाइस कलर आया है, ये देखिए अब एक साइड कलर आ गया। अब आपने क्या करना है, गैस एकदम स्लो कर देना है और इसको कम से कम 5 से 6 मिनट पकाना है। आपने देखा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया कि आपने फिश को कैसे ग्रिल करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सॉस बना लेंगे और सब्जी को फटाफट सौते भी कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 पैन चढ़ा रखे हैं, टोटल 2 पैन खाली हैं। 2 पैन खाली क्यों हैं और कॉन्टिनेंटल में 4 बर्नर रेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉस बनाने से पहले आपने एक पैन में डालना है बटर, ये देखिए, और साथ में डाल देना है इसमें वेजिटेबल जो हमने बॉइल करके रखे थे, 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच ब्लैक पेपर और 1 पिंच ओरिगेनो, और इसको ऐसे आपने हल्का सा चलाना है और इसको स्लो गैस में ऐसे रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे पैन में आपने डालना है लेमन जूस आधे से आधा कप, और इसको आपने अच्छी तरीके से उबाल लेना है। आज मैं आपको परफेक्ट लेमन बटर सॉस बनाना दिखा दूंगा। कई लोग क्या होते हैं, लेमन बटर सॉस बनाते हैं ना, उसमें क्रीम रू पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं और लेमन बटर सॉस की ऐसी तैसी कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सही और आसान और असली तरीका बताने वाला हूँ लेमन बटर सॉस का। तो आप पहले इसको बॉइल कर लें, ये देखिए ये उबलने लगा है। अब आपने क्या करना है, इसमें आधा टीस्पून गार्लिक डालना है, 1 पिंच नमक, और इसको और आपने उबालना है, थोड़ा सा और उबालें, मतलब आपने जितना डाला उससे 30% जल जाना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें डालना है बटर, ये देखिए, और इसको ऐसे चलाना है, आपने गैस आपने कर देना है स्लो और ऐसे लगातार ऐसे चलाते रहना है, जैसे कि मैं चला रहा हूं इस तरीके से। अब ये कैसे गाढ़ा बनता है, कैसे क्रीमी बनता है ना, आज आपको सारा पता चल जाएगा हमारा वीडियो देखने के बाद। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें और बटर डालना है, बटर गलने के बाद और बटर डालें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर आपने सेम इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है, ऐसे लगातार चलाएं जैसे कि मैं चला रहा हूं, और बटर मेल्ट होने का इंतजार करें। ये देखिए कितना बढ़िया सॉस बन गया। अब मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं। देखिए ऐसे गाढ़ा बन जाता है। अब आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून पार्सले और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। फिर आपने इसको ऐसे मिक्स किया, ये देखिए अब ये बहुत ही शानदार बेहतरीन बन के रेडी है। देखिए ऐसे ही आपने बनाना है जैसे कि मैंने बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमारी सब्जी भी बहुत ही अच्छे से साते हो चुकी है। इसी तरीके से आपने करना है। अब आपने क्या करना है, एक बार गैस फास्ट करना है और इसको ऐसे अच्छे से
सादे करके इसको हटा लेना है। आपने एक फुल प्लेट लेना है और इसको अच्छे से अरेंज कर देना जो हमने सब्जियां ग्रिल की थी बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, आप अगर चाहें तो इससे अच्छे भी अरेंज कर सकते हैं, वो है आपकी मर्जी। अब हमारी मछली भी बहुत ही अच्छे से ग्रिल्ड हो चुकी है, क्योंकि मैंने एकदम गैस स्लो कर दी थी ना, तो बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब आपने क्या करना है, ऐसे देखिए पैन टेढ़ा करना है इस तरीके से, और इसको उठा के प्लेट में रख देना है फटाफट। रखने का तरीका ये है, ये देखिए ऐसे स्टार्ट करना है आपने यहां से, उसके बाद ये, फिर ये। मछली प्लेट में लगाने के बाद आपने देखिए लेमन बटर सॉस ऐसे डालना है ऊपर। ये देखिए कितना प्यारा हुआ है, मजा आ जाने वाला है आपको, वाव बहुत ही बढ़िया। अब आपने क्या करना है, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए आपने यहां रखना है पार्सले, ऐसे रख दें, और लेमन स्लाइस। ये देखिए, आप लेमन के ऊपर हल्की सी पेपरिका भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ये है इसका पिकअप कराने का सही तरीका, इससे आपकी प्लेट बहुत ही सुंदर लगती है। अब आपने मुझे बताना जरूर है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आ गया तो क्या करना है आपने, आपको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब।